हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समरीन गैलरी। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बिल्कुल ठीक रहिए और अच्छे से रहिए, कमेंट करते रहिए। तो मैंने पहले वीडियो इसलिए स्टार्ट कर दिया ना, अभी से इंट्रो कर दिया, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ और इंट्रो ही नहीं कर पाती हूँ। पूरा व्लॉग बन जाता है, इंट्रो नहीं हो पाता, तो मुझे वॉइस ओवर में करना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता है इसलिए। और बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि कौन सा ऐप से मैं एडिटिंग करती हूँ, तो VN ऐप से मैं एडिट करती हूँ अपनी वीडियो को, और कैनवा वगैरह से अपने थंबनेल बनाती हूँ। या तो फोंटो यूज़ करती हूँ या फिर कैनवा यूज़ करती हूँ, तो कैनवा बहुत अच्छा था। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है कैनवा का तो और ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे आपको थंबनेल्स मिल जाएंगे वहाँ पर, फ्री में ही बहुत सारे थंबनेल हैं। और अभी शाम में आने वाली है वर्षा, क्योंकि उसको कटवाना है बाल अपने और स्मूथनिंग भी करानी थी। और बहुत दिनों से मेरी बहन बस रट रही थी कि मुझे बाल स्ट्रेट करवाना है, स्ट्रेट करवाना है, बट इसने आज तक नहीं करवाया। पता नहीं वो मुहूर्त कब निकलेगा। बड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों इतना खुशी हो रही है सुबह सुबह उठने के बाद। मतलब दिन के 1 बजे मैं उठी हूँ और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मतलब कुछ तो अच्छा होने वाला है, अच्छा होगा भी आगे, और अच्छा चल भी रहा है, इसलिए खुशी और ज़्यादा हो रही है। कौन सा फ़ोन है? हाँ, सैमसंग का तो ठीक ही रहता है। नहीं बाबू, मेरे को सैमसंग का इतना महंगा महंगा फ़ोन निकल गया है, S20 Ultra, ये वो, पर मेरे को iPhone पसंद है, तो यही बोलना है। और अभी मैं क्या बोल रही थी, मेरा बात काट दी, मैं भूल भी गई कि मैं क्या बता रही थी। बट क्या है ना, मुझे अपना मेकअप अभी सजाना है, क्योंकि उसमें मैं रखती हूँ जो है उस कवर्ड में थोड़ा बहुत मेरा मेकअप रखा हुआ है, थोड़ा ही बहुत ही अभी बचा है, क्योंकि बहुत यूज़ करके ख़त्म कर चुकी हूँ। ज़्यादा दिन तक रहेगा भी नहीं, क्योंकि 2-3 साल तक ही डेट होती है सारी चीज़ों की। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मेकअप वगैरह का लास्ट में लूँगी, तो आप लोगों को वो सब शेयर कर दूँगी। वही सब आप लोग बताना कि मैं ऑफलाइन लूँ या फिर ऑनलाइन लूँ। वैसे ऑफलाइन लूँगी तो मुझे सस्ता पड़ जाता है यार, इसलिए। और मुझे बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट लेना पड़ेंगे, क्योंकि अभी फेब में मुझे 1-2 ऑर्डर मिल चुका है। मतलब मैं लेती नहीं हूँ ऑर्डर, बट 1-2 ऑर्डर है, थोड़े बड़े बड़े ऑर्डर है, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ। फेब में मुझे है एक ऑर्डर, तो सोच रही हूँ कि जाऊँ। और मुझे बहुत सारे ना वन ब्रांड मेकअप लुक भी करने, बहुत सारे, जिसमें मेरे मेकअप में 10,000 तो घुस ही जाएगा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक ही बार मंथ के लास्ट में लूँ। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप पेमेंट कब आता है, कैसे आता है। तो यूट्यूब का क्या है ना, यूट्यूब का पेमेंट ऐसा होता है कि आपके $100 हो चुके, जैसे इस मंथ आपके $100 हुए 31st, जैसे आज है तो आज $100 कम्प्लीट मेरे हो चुके हैं जैसे मान लो, तो क्या है अभी का पूरा जुड़ा जाएगा और वही पैसा आपको सितंबर में मिलेगा। अगर अगस्त चल रहा है तो सितंबर के 22 से लेकर के 26 के बीच में मिल जाता है आपको, क्योंकि एडसेंस में आ जाता है। एडसेंस फिर आपको 1-2 दिन में ट्रांसफ़र कर देता है आपके बैंक अकाउंट पे, तो ऐसा ही होता है। तो बस इतना ही है कि महीने के लास्ट में आता है पेमेंट, और कितना मज़ा आता है यार जब पेमेंट आता है, तो फिर आते साथ ऐसा ख़त्म होता है ना कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ यूज़ हुआ पैसा। और बहुत लोग कमेंट भी आ रहे थे कि कब दिल्ली आ रही हूँ, तो पहले मैंने कह रहे थे कि मैं नवंबर में दिल्ली आ रही हूँ, नवंबर के लास्ट में आ रही हूँ। और इस बार ट्रिप में अम्मी भी जा रही है, टेंशन में हर बार बोलती हूँ अम्मी भी जाएगी जाएगी, बट अम्मी नहीं जाती है, बट इस बार जा रही है, क्योंकि इतनी कैपेबल हो गई हूँ कि मैं 2-4 लोगों को और भी बोझ उठा सकती हूँ, मतलब बोझ मतलब घर से उठा सकती हूँ और लोगों के भी। और मेरी बहन नहीं जा सकती कहीं पर, पता है क्यों? क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है कार वगैरह में, और हम लोग हमेशा कहीं पर भी जाते हैं तो कैब वगैरह से ही आना जाना करना होता है, तो ये पूरा कैब वाले भैया को भर देगी, पता चला वोमिटिंग कर करके, तो इसलिए ये कहीं जाने लायक नहीं है। ये ऑटो रिक्शा से सिर्फ घूमने के लायक है, इसलिए सिर्फ ऑटो रिक्शा से ही कहीं जा सकती है, स्कूटी वगैरह में। तो बस यही बोलना था, अभी अच्छी जगह हम लोग सोचे जाने का, आप लोग बताना अगर दिल्ली के आसपास कोई अच्छी जगह है तो। वैसे तो हम लोग अजमेर शरीफ सोचे हैं जाने का, कहीं जाए ना जाए बट अजमेर शरीफ जाएंगे, क्योंकि अम्मी भी जाएगी और अम्मी को लेके जाने का मकसद ही यही है। बट अगर कोई और भी जगह अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ बताना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे था ना कि मैं थोड़ी बर्फीली जगह जाऊँ, बट वो आगे का हम लोग देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग दिल्ली तरफ ही, राजस्थान तरफ ही हम लोग जाने का सोच रहे हैं। तो आप लोग बताना कि वहाँ पर और कौन कौन सी जगह है। वैसे डंपिंग यार्ड वगैरह मैंने देखा है, तो हो सकता है कि वहाँ जाऊँ। और बहुत बकवास कर ली यार मैंने, क्यों इतना बोलती हूँ मैं, थोड़ी देर में मिलूँगी वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि वर्षा का वीडियो में मुझे शूट करना है। इतना सस्ता मिलता है गाइस क्रीम, 300 रुपये का क्रीम मिलता है, बट इसे 300 रुपये का खर्चा करने में ना खुद के ऊपर रोना आता है, पता नहीं क्यों ऐसे ही होता है। मतलब घर के बड़े लोग जो हो जाते हैं ना, थोड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं जो, वो सबके ऊपर खर्च कर देते हैं, बट अपने ऊपर खर्च करने में बहुत सोचते हैं, और ये तो कुछ ज़्यादा ही सोचती है। ये सिर्फ मेरे भाई के ऊपर ज़्यादा खर्च करती है, 10,000-15,000 खर्च पे खर्च। मेरे को इतना मिल जाए तो मैं तो ट्रिप ही मार लूँ। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर खर्च करती हूँ, सिर्फ मेकअप में, मेकअप और बाकी सारी चीज़ें, ड्रेस, शॉपिंग, ये सब। फिलहाल अभी 2 बड़ी चीज़ें मुझे लेनी है, उसके लिए मुझे सेविंग्स करना है,
बड़ी बहुत बड़ी है मेरे लिए, तो दो चीज़ें वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब लूंगी, तो दो बड़ी चीज़ें। इंसान को हाथी बनना चाहिए, हाथी। अबे हाथी बहुत हाथी है मेरे जिंदगी में, बता कौन सा हाथी बने। हाथी का तरह सिर्फ चलो, उत्तम आदत रहता भौंकने का। गाइस मेरी बहन जा चुकी है और यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें मेरी ऐसी फैली हुई है, मतलब ये अलता है क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में मेरे काम आएगा ये, आगे चल के भी कभी ना कभी कॉलेज में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। चिया सीड्स है, थोड़ा बहुत रेजर वगैरह है और हनी है मेरे, कुछ कुछ फ्यामा के सोप सब है क्योंकि बहुत अच्छा होता है। और मुझे ना आई लैश कलर नहीं, मुझे लैशेज ग्लू लेना है और लेंस वगैरह भी मैंने सोचा लेने का, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि लेंस में आप कुछ मेकअप लुक करके दिखाओ। और इस तरह से कुछ फैला हुआ है, फैला नहीं है, देखा जाए तो ठीक ही से सजा हुआ है, बट मुझे ना बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकालनी है और बहुत सारी चीज़ें फेंकनी भी है, तो वो सब एक साइड कर लूँगी। अभी लिपस्टिक वगैरह तो इतने सारे कि मुझे कुछ कुछ सूख भी गया, तो वो सबको भी हटाने हैं। और थोड़ा फैला हुआ देख रहे हो ना, क्लिप लिप वहाँ यहाँ पर है, और ये मेरे भाई ने पेन से कर दिया, छोटा वाला भाई आता है नीचे में उसमें ये डायरी में पेन से कर दिया, और ये क्लिप सब मेरी अम्मी ने ही सही से रखा है। तो इन सबको सजा लेती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा ना मुश्किल हो जा रहा है, फटाफट से इन सबको सजा लेती हूँ ताकि जो फेंकने वाला हो जाए। और लेंस वाला मेकअप भी बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी मैं सोच रही हूँ, और थोड़ी बहुत ज्वेलरी मैंने नई नई ली थी वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि जितना डेली व्लॉग्स हो सकती है वो दिखाओ, तो डेली में मैं यही करती हूँ। हमारा क्लास सस्पेंडेड है क्योंकि अभी कॉलेज में ना सीनियर्स के एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, इसलिए हमारा क्लास नहीं हो रहा है, तो मैं कॉलेज भी नहीं जा रही हूँ कुछ आप लोगों को दिखाऊँ। इसलिए मैं अभी घर पर ही थोड़ा बहुत सजा लेती हूँ अपनी चीज़ों को, क्योंकि मैं घर का कोई काम वाम उतना करती हूँ नहीं कब, क्योंकि मेरी अम्मी सारा चीज़ कर लेती है। और गाइस और एक बात, मैं ना अभी रिंग लाइट लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ये रिंग लाइट छोटा वाला बहुत अच्छा था बट ये ख़राब हो चुका है। इसका स्टैंड भी अच्छा है बट मैं सोच रही हूँ ना कि स्टैंड प्लस रिंग लाइट लूँ। 4200 समथिंग का मिल रहा है, एक डीजीटेक का ही है, और कोई कंपनी का मुझे समझ में ही नहीं आया, मतलब एक नोवा का भी था वो भी ठीक ठाक लगा मुझे। अगर आप लोगों को पता है ना कोई अच्छा सा रिंग लाइट 18 inches का तो मुझे प्लीज़ बताना, ऐसे ही मुझे लेना था बट इससे मेरा काम चल रहा था इसलिए मैं नहीं ले रही थी, बट अब मुझे लगता है लेना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे लिंक दे देना कमेंट में, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार लिंक दे देना, क्योंकि आप लोग मांगते हो तो मैं देती हूँ। प्लीज़ आप लोगों को पता हो तो लिंक दे देना, क्योंकि मुझे ना लेना है और मुझे समझ में, सच बताऊँ तो नहीं आ रहा है, आप लोग बताना। डीजीटेक का मैंने सोचा है, मैंने अनिश को ही बोला कि तुम भी देखो अपना, क्योंकि वो जो मेरा दोस्त है उसको बहुत दिमाग है यार, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है वो, तो उसको मैंने कहा है कि तुम भी देख, तो वही सोच रही हूँ कि वो ले लूँ क्योंकि थोड़ा इजी रहेगा। वैसे तो रिंग लाइट की मैं इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, बाहर ही बाहर रहती हूँ, बट मुझे मेकअप लुक शूट वगैरह करना होता है उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है, और बहुत जल्दी मैं वो वीडियो भी लेकर के आऊँगी। वैसे तो जो सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप अपना यूट्यूब कैसे खोली, कैसे क्या किया, वो सारा मैंने उनको पर्सनल मैसेज करके इंस्टाग्राम पर बता दिया है, बट मैं सोच रही हूँ एक वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी क्योंकि बाकी लोगों को भी बताना ज़रूरी है, एक एक को मैं नहीं बता सकती ना मैसेज करके, तो जल्दी बताऊँगी आप लोगों को भी। अभी फ़िलहाल बकवास मैं बहुत कर रही हूँ, सबसे पहले फटाफट से मैं इसे सजा लेती हूँ। ये मेरी फेवरेट और क्यूट सी, देख सकते हो मिरर, ना क्यूट है ना, मतलब मेरे दिल के पास है यार ये बहुत। मैंने गैंगटॉक से लिया था, अब मुझे गैंगटॉक की याद आ गई। गाइस सच बता रही हूँ, अगर आपको मतलब सुकून चाहिए ना रियल वाला, तो आप कहीं मत जाओ, सिर्फ गैंगटॉक चले जाओ, मज़ा आ जाएगा। मतलब सच बता रही हूँ, मैं तो दोबारा भी पक्का जाऊंगी, दोबारा फ्लाइट से जाऊंगी इंशाल्लाह, बट ज़रूर जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी यार, मतलब दोबारा तो जाऊंगी पक्का। मुझे था कि अभी चल जाऊँ, पर वर्षा बोल रही थी, कह रहे यार अभी एक वही जगह से आई हो फिर क्यों जाना है, दूसरी जगह चलो उसके बाद कभी चलना, तो फिर कभी जाऊँगी, बट गैंगटॉक ज़रूर जाऊँगी, मतलब दिल का सुकून है यार वहाँ पर। मेरा मार्स का ये था ना मेक फाउंडेशन वाला है, और एक पाउडर है जिससे आप ब्लश भी लगा सकते हो, तो ये है इसका रिव्यू मैं हर वीडियो में दे चुकी हूँ देखा जाए तो, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेकअप किए इससे, बट लोगों का कहना है कि मैं और अच्छे से मतलब इसका रिव्यू दूँ। और ये देखिए मैं अभी दिखा देती हूँ फिलहाल कौन सा है, ये आपका पाउडर ब्रश है जिससे आप अपने कॉम्पैक्ट को सेट भी कर सकते हो, देन उसके बाद अपना डस्ट आउट भी कर सकते हो जितना भी एक्सेस फॉल आउट होता है वगैरह, और पाउडर जब बेक करते हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, और इससे आप ना ब्लश भी लगा सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है गाइस, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, मतलब मैं शुरू से बहुत दिनों से इसे लेना चाहती थी और फाइनली मैंने ले भी लिया। और ये फाउंडेशन ब्रश है, थोड़ा सा भी गंदा है क्योंकि मैंने इसे ब्लश भी लगा लिया था, तो ये फाउंडेशन ब्रश है, ये बहुत अच्छा है, ब्लेंडिंग ब्रश है फाउंडेशन का ये। नेक्स्ट ये आई मेकअप के लिए ब्रश आता है, अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है गाइस, देख सकते हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है।
एक ब्लेंडिंग ब्रश भी दे दिया गया जिसे आप आराम से ब्लेंड कर सकते हो। बहुत ही छोटू सा है देखा जाए तो, लेकिन बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा करता है। फिलहाल यूज़ नहीं किया मैंने। और एक यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई करते हो ना आप, तो फाउंडेशन एप्लीकेटर एक मिल जाता है आपको यहाँ पर, तो ये जो ब्रश है ये उसी का काम करेगा। इस तरह से आप फाउंडेशन ले सकते हो और ऐसे से पहले अपने स्किन पे प्लेस कर सकते हो, देन उसके बाद आप ब्लेंड कर सकते हो। तो ये भी अच्छा है, ये कट क्रीज के लिए भी अच्छा होता है जब आप करना चाहो तो। और लास्ट हमारे ये ब्रश आता है इस तरह का, जिसका शेप है। और ये ब्रश जो है ना, एक सेकेंड दिखाती हूँ मैं, देख सकते हो कुछ इस तरह का ब्रश आता है ना, आईब्रो फिल कर सकते हो बहुत अच्छे से। और इसके पीछे में जस्ट स्पूली मिलता है जिससे आप अपने आईब्रो को अच्छे से सेट कर सकते हो इस तरह से, तो बहुत अच्छा है। तो ये 5 ब्रश है, पता नहीं वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे था कि मैं ये लूँ और फाइनली मैंने ये लिया। तो इसका 2 ब्रश निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे यूज़ करना होता है ना, फिर मैं इसे अंदर रख दूँगी। इसलिए किसी ने कहा था ना कि आप बिंदी लगाती हो, नहीं लगाना चाहिए, तो मैं तो वैसे रिप्लाई, बहुत अच्छी सब्सक्राइबर मेरी वो, इसलिए मैंने रिप्लाई दिया। वैसे मैं हेटर्स का रिप्लाई कभी देती नहीं हूँ, बट वो मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था इसलिए मैंने बताया। तो ये इतने तरह के मेरे पास बिंदियाँ हैं बहुत सारी, और भी 2-3 उधर रखी हुई है। तो गाइज़ मुझे पर्सनली बिंदी खुद भी नहीं पसंद है, मैं लगाती भी नहीं हूँ, बट जब भी मुझे कोई लुक करना होता है ना तब मैं लगाती हूँ। एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर मुझे ये करना है, ये मेरा काम है, इसलिए मैं लगाती हूँ। और जस्ट मैं लगाती हूँ वीडियो के लिए, देन उसके बाद वीडियो शूट करने के बाद निकाल देती हूँ मैं उसे। तो बस ये क्लियर करना था आपको। और आपने कहा भी था कि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ और मैं रांची से हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कमेंट किया और मुझसे पूछा और मैंने भी आपको बता दिया। तो देख सकते हो इतने सारे कुछ है मेरे पास, और इसका ग्रीन भी है, मैंने ग्रीन भी लेकर के आई थी मैं, उसे मिलती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, सॉरी बट लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा वीडियो। और अभी मैंने ना कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया, कुछ भी नहीं है, एक मॉइस्चराइजर तक मैंने नहीं लगाया, सनस्क्रीन नहीं लगाया। अभी मैं लिपस्टिक सजा रही थी तो मुझे ये लिपस्टिक दिख गई, तो मैंने ये लगा लिया। आप लोग बताना इसका शेड कैसा लग रहा है। तो गाइस जितनी भी चीज़ें थी ना सारी मैंने अच्छे से सजा दी है अब, और मैं ये फिंगर रिंग भूल गई रखना, तो अभी इसे पहनी रहती हूँ, थोड़ी देर में रख दूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने के लिए शॉर्ट्स वाली, क्योंकि मुझे 1-2 लुक क्रिएट करने, वो कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइज ये हेयर वॉश करके आई थी, तो मुझे इसका हेयर वॉश करना नहीं पड़ना, वरना स्मूथनिंग मैं कर देती। और यहाँ पर मैंने सीरम ले लिया अपना वाला, ये लॉरियल का भी लेके आई थी बट मैंने अपना वाला ही से यूज़ कर दिया। और अच्छे से सीरम लगाने के बाद मैंने अब इसके बालों पे आयरनिंग की अच्छे से। और स्ट्रेटनर आप कोई सा भी ले सकते हो, बट फिलिप्स का अच्छा होता है, नोवा वगैरह का भी आप ले सकते हो, वो सब भी अच्छी ब्रांड का है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं आप लोगों को मिलती हूँ इसका स्ट्रेट करके। अच्छा लग रहा है सच में, देख देख ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ाई है, ले इसको भी लगा। तुम लगा दे। नहीं बहन ऐसे बड़े और तो हम लोग फुल लगा के चले गए। हाँ चल पीछे घूम बाबू, जितना हो पाया है तुमने स्ट्रेट कर दिया, अब तुम्हारा बाल कटेगा भैया। और गाइज इसके बाद बाल ना हद से ज़्यादा कर लिए, हद से ज़्यादा। यहाँ पर मुझे ना इसके हेयर को कट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, वरना मैं अपनी आप ही का जब मैंने हेयर कट किया था तो बहुत इजीली मैंने शूट भी कर लिया था और कट भी कर दिया था। यहाँ पर ना पता नहीं मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी सही से। और आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल से आपको पीछे वाले बालों को लेना है, एक कट लगा देना, उसके बाद फिर और एक बाल को लेना है, ऊपर में से आपको थोड़ा पार्टीशन लेना है, मिलाना है, देन उसके बाद वही बालों का आपको क्या है ना एक गाइडलाइन मिल जाएगा आपको बालों का, फिर उसी हिसाब से आपको उसी के बराबर में कट करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ एक्स्ट्रा। तो इस तरह से बहुत अच्छा सा लुक आएगा इसमें, देख सकते हो इस तरह से। ऑफ कैमरा मैंने फटाफट से कट कर दिया था, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगी। लेट होगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्का हल्का सा बैन कर दिया क्योंकि इसका जब लेज़र काट रहे थे तो मेरी अम्मी को बहुत दर्द हो रहा था कैसे मत काटो करके, पर फिर भी तेरा बहुत हद तक मतलब हो गया है सीधा। लो ऐसे 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 करके घूमते रहना तुम। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तारीफ कर बहुत अच्छे थे यार, बहुत मजा, मतलब ये जो भी की बहुत अच्छा की। पता नहीं वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था, मतलब वीडियो मैंने सही से काट पा रही थी इसलिए माफ किया। अरे मां तो फोकस ही नहीं पा रहा, बहुत अच्छा की। रुक रुक रुक, जूड़ा बना के देख रहे मान दो मान, कोरियन वाला अब तेरे ऊपर सही बोल रहा जूड़ा, ज्यादा तारीफ कर दे रहे हम को लगता है। बहुत खुशी हो रही है सब देख के, हो गया सबको ले गए, इतना एक्साइटेड है बाल कटवाने के लिए, बहुत दिनों के बाद ऐसा कर रही है, इससे मिलता नहीं परमिशन, मजा आ रहा समझ रहे हो, समझ रहे हो। 3 बजे तक आ जाएगी? हाँ
ड्रेस उठा के लेके आ जाना। किसके साथ आ रही? अरे रख लिया, छोड़ देंगे। कौन कौन और कौन और कौन बता, हस्बैंड और कौन? किसके हस्बैंड? ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा। मेरे हस्बैंड ऑब्वियसली। क्या नाम है? ए जी ओ जी सुनो जी बोलो। देख ना, नाम नहीं ले रही है, नाम नहीं ले रही। ओह माय गॉड, देख कैसे सर मार रही। देख देख, ओह माय गॉड। नाम पता है? बोल, तुम बोल, हम क्यों बोले? सुन ना, मेरे को सिक्का याद है, बस उसका आगे का नहीं याद है। कामेश। देखी? ओह माय गॉड। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, आप आइए। वर्षा का मैंने हेयर कट वगैरह कर दिया, अब मैं जा रही हूँ वीडियो को एंड करने के लिए, क्योंकि वीडियो शायद लंबी हो गई होगी। पता नहीं कौन कौन से क्लिप मैंने ऐड किए, बट मैं वीडियो को एंड करने के लिए आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसका हेयर कट का जो वीडियो है ना, वो मुझसे मतलब मैं पता नहीं काट ही नहीं पा रही थी वीडियो ऑन था, जब वीडियो ऑफ हो गया देन उसके बाद मैंने अच्छे से कट किया, लेज़र नॉर्मल सा, नीचे से थोड़ा सा यू रखा था और थोड़ा सा एडवांस लेयर कटिंग दिया मैंने उसके बालों को, थोड़ा सा मतलब लगे लुक आए थोड़ा सा कट का वो दिया था। बस मैंने उसका हेयर को कट किया है, कभी इंशाल्लाह वीडियो में पक्का दिखाऊंगी। फिलहाल अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि क्या बोलूँ यार, मतलब ना मुझे हवेली के लगता है लोग पहचान लिए थे, क्या हुआ था पता नहीं। हम लोगों को बहुत ही स्पेशल जगह पे उन लोगों ने बैठा दिया था वहाँ के मैनेजर ने, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे यार, बहुत ज़्यादा। तो वो सारी बातें अगली वीडियो में होंगी, मतलब उस वाली वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, मिलते हूँ आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय, लव यू।